बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है अमेरिका के अंदर से। बस अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर सारे स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है बिकॉज के आज हिंदुओं का सबसे बड़ा दिन राखी बंधन है, जिसकी वजह से पूरे न्यूयॉर्क को छुट्टी दी गई है। न्यूयॉर्क के स्कूल सारी क्लोज हैं। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा क्या कभी अमेरिका के अंदर ये हुआ कि आज मुसलमानों की ईद है तो पूरी न्यूयॉर्क को छुट्टी दी जाए और न्यूयॉर्क के स्कूल्स को क्लोज कर दिया जाए। गाइस आज तक हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर क्यों इंडिया को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है कि इंडिया का आज राखी बंधन है तो पूरे के पूरे न्यूयॉर्क को छुट्टी दी गई है, पूरे के पूरे न्यूयॉर्क की स्कूल्स को छुट्टी दी गई है। लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर न्यूयॉर्क ने कहा है कि भाई अमेरिका ने कहा कि न्यूयॉर्क के पूरी स्कूलों के अंदर छुट्टी होगी और आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा जो कि राखी बंधन है। क्या वजूहत है कि उनको प्रमोट किया जा रहा है, क्या वजूहत है? वजूहत यहाँ के ओलमा और कुछ भी नहीं। क्या ओलमा जो है ना, हमारे मौलवी जो यहाँ पे मदरसे और ये जो ऐसी तंजीमें इन चीज़ों को बुरा समझती हैं। अच्छा। इसकी वजह से ये सारा निज़ाम उल्टा पुल्टा। लेकिन बुरा नहीं समझते? नहीं, मेरे साथ से कोई बुरा नहीं है। हर किसी को इजाज़त, इजाज़त होनी चाहिए, अपने मजहब में अपनी इजाज़त होनी चाहिए। इसी वजह से वो दुनिया में प्रमोट हो रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं। देखिए ना, अमेरिका ने आज तक किसी भी, हमारी ईद आती है, कभी अमेरिका ने कहा कि ईद के दिन भी पूरे अमेरिका को छुट्टी देंगे हम? न्यूयॉर्क का भी कभी छुट्टी हुई है? छुट्टी होती है ईद के अंदर, वहाँ भी होती है छुट्टी, खाली खाली मुसलमानों को होती है, मुसलमानों को ही होती है, जाहिर है। अभी न्यूयॉर्क पूरा को बंद किया गया और पूरा अमेरिका मना रहा है उनके डे को, उनके बड़े दिन को। बेसिकल इंडिया जो है ना हमसे आगे है, आई बात समझ के? नहीं, हम जो मर्जी कर लें वो हमसे आगे ही है। किस तरह से आगे? हर तरफ से आगे। क्यों आगे? उनकी आवाम आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। हम आज़ाद नहीं है, हम तो कहते थे 1947 को आज़ाद हुए, बस आज़ाद हैं। नाम के? किसका नाम के आज़ाद है? प्रॉपर आज़ाद है? नहीं, नाम के आज़ाद है, प्रॉपर आज़ाद नहीं है। क्या हल है इस चीज़ का? आज देखें वो चांद पर चले गए। इसका हल अब क्या बताएं, इसका हल तो कुछ हल है नहीं। जिनके पास हल हैं उनके पास हम जा नहीं सकते, ना हमारे सुनते हैं। पूरी दुनिया से हमारा बायकॉट हो रहा, अमेरिका क्या, उसके बाद तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क क्या, उसके बाद आप यूएई देख लें, मिडिल ईस्ट देख लें, हमारा बायकॉट कर रही हैं, इंडियंस को वेलकम कर रही हैं। सर क्या वजूहत है कि उनको वेलकम किया जाता, हमारा बायकॉट किया जाता? वजूहत यही है कि हमारे मुल्क का निज़ाम ख़राब है, हम कर्जई हैं, बिल्कुल बेकार हैं, हम बंधे हुए हैं। अब बॉर्डर का बताता हूँ मैं, अब बॉर्डर मैंने सिस्टम लगाया 14 अगस्त पर, हमारी 8-9 हज़ार अवाम साउंड सिस्टम मेरा, ठीक है। अब हमारे जो अब होता ये है, हमारी जो पटली है ना जो सी परेड की, उस पर आवाम नहीं आ सकती। अच्छा। 15 अगस्त पे उनकी आवाम डांस करती है उस पटली, वहाँ पे, वहाँ पे इसका मतलब वो आज़ाद हैं। हमारे वो जो पीर तक पीर वहाँ पे पर नहीं मान रहे थे, अफसरान बैठे हैं तो ये बैठे हैं तो वो बैठे हैं। हाँ जी, मैंने देखा 14 अगस्त को अब हमारी आवाम आगे नहीं आई, 15 अगस्त को गेट तक आई है। सेटअप मेरा ही लगा हुआ था, मैं बैठा हुआ था। अच्छा। वो जब बेसे लगी थी इधर भी वो स्पीकर, वो सारा सेटअप मेरा ही था। अच्छा, आपको आपने सेटअप लगाया वाघा बॉर्डर के अंदर। हाँ। आपने क्या चीज़ें नोट की दोनों मुल्कों के अंदर, दोनों मुल्कों में क्या ऐसी चीज़ है जो आपने यूनिक सी नोट की हो कि जो आप बताना चाहें पब्लिक को? उनके उनके लोग पैसे लगाते हैं, आई बात समझ के नहीं, उनकी आवाज़ ज़्यादा इसलिए आती, पैसे लगाते हैं। मुझे बुलाया गया कि हमारी आवाज़ नहीं पहुंची, मैं कह मैं इंडिया से भी आगे पहुंचा दूंगा बात। अच्छा। मैंने पहुंचा दी। अच्छा। और फ्री पहुंचा दी, पैसे भी नहीं दिए, पैसे भी नहीं लिए मैंने, मैं कह ट्रांसपोर्ट और लेबर दे दें खाली बस। 1.5 लाख का बिल 25,000 में करके आ गया। वाघा बॉर्डर के अंदर लगाइए गाइस, आप ये देखें जरा, हिसाब लगाएं, परली साइड पे हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, दूसरी तरफ हम तो जो जज्बा के इजहार करते हैं 14 अगस्त को कि भाई हम हर चीज़ से उनसे आगे हैं, तो आपको पैसे भी नहीं दिए डीजे के? मैंने खुद नहीं लिए, मैं कह आप सिर्फ कन्वेस और लेबर दे दें, ये मेरी तरफ से आज जाए इंजॉय करें। सर क्या राज है उनके इतने डेवलप होने का, दुनिया सारी सलाम कर रही है उन्हें आज, आज उनके रिजर्व देखें कितने ज़्यादा, आवाम ज़्यादा है, करेंसी स्टेबलिश है, हमारी करेंसी डाउन है बेकार, आज 320 का डॉलर हो गया है, जो स्पीकर आता था यहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये का, एक चाइना की बात कर रहा हूँ, वो आज 50-60-65-70 हज़ार रुपये का हो गया है। एक अगर जो ओरिजिनल स्पीकर आते थे 1.5 लाख रुपए के मेड इन USA के, वो इस टाइम 6.5-7 लाख रुपए के हो गए हैं। आ रही बात समझ? आप एक मिनट खड़े होंगे, माइक्सो के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सारा काम करते हैं, किस किस को लोन ज़्यादा हमें पता सब। हम अगर दुनिया से पीछे हैं तो क्या वजूहत है, एजुकेशन है, तालीम है, या फिर हमारे रिजर्व हैं, या पैसा, या हुक्मरान है,
क्या हमारा जमहूरी सिस्टम है, क्या हमारी आज़ादी, हमारे हुक्मरान और बाकी आपको बताइए। और आप इधर खड़े होइएगा, अब पहले तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर बात करें फाइनेंशियल तौर पर पावर के हिसाब से आज हम आगे हैं या फिर इंडिया आगे है? अंदरूनी पावर का भी नहीं पता हम कितने आगे हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, फाइनेंशियल तौर पर बात, वैसे तौर पर वही आगे हैं, वही आज़ाद हैं। हमें तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, वो कहती पैसे दो या डीजे बंद करो, नहीं तो कुछ पर सवाल मैं यहाँ के 5 बंदों से पूछूंगा आपके सामने, उनका जवाब देखते हैं क्या आता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या लगता है कि फाइनेंशियल तौर पर पावर के तौर पर हम ज़्यादा आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आगे? भाई हम पाकिस्तान पावर के तौर पर मजबूत है, इनसे भी पूछूंगा मैं आपके सामने, क्या लगता है आपको, क्या लगता है पावर के तौर पर हम आगे या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया? पाकिस्तान पावर, पावर के हिसाब से पाकिस्तान आगे है, आप क्या समझते हैं? जी पावर के लिहाज से तो अमेरिका आगे है। नहीं नहीं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बात हो रही है। इंडिया आगे है पावर के हिसाब से, जबरदस्त। आप क्या कहेंगे? नहीं कुछ तो बोल दो। नहीं सर, आप क्या कहेंगे? वो नहीं यार, कुछ भी नहीं कहेंगे, आधे से ज्यादा लोग बात नहीं कर पाते, और जो जो बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई पावर में हम सबसे आगे। जो इन लोगों में रहते हैं उनको पता होता है, जो नहीं रहते उनको नहीं पता। सर आपको नहीं लगता जमहूरियत उस मुल्क की होती है जहाँ पर पढ़े लिखे अवाम हो? हम पर जमहूरियत मुसल्लत नहीं की गई, पढ़े लिखे अवाम भी हो और पढ़े लिखे जो हमारे सरबराह हैं वो भी तो हो ना, वो तो सारे चौधरी और बदमाश हैं, बदमाशों के आते हैं मुकम, तमाम बदमाश हैं तमाम। जिन इन आवाम को मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पर किसी आवाम को जमहूरियत का मतलब ही नहीं पता, इन्हें नहीं मालूम, मैं करूँ नहीं, जमहूरियत मुसल्लत करने वाली बात है, इनको अपने हकूक ही लेने नहीं आएंगे गवर्नमेंट से तो इनको हकूक कौन देगा? अपने अपने हकूक आप ही बनाए बेचारे, बस रोटी कमाए और खाए। आज जिन जिन मुल्कों में जमहूरियत है, अमेरिका में जमहूरियत है, दुनिया का टॉप तरीन कंट्री है, जिन जिन मुल्कों में जमहूरियत है सर वो डेवलप है, हम में हमारे पास जमहूरियत भी है और हम फिर भी तबाह हैं। हमारा हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये, हमें वीज़ा नहीं मिलते, इंडिया को मिलते हैं, इंडिया को सब मिलते हैं, वो जाते हैं यहाँ पे तो इमिटेशन मिलवाओ, फिर 100 जमानते दो फिर वीज़ा मिलता है। अब चाइना का भी यही हाल हो गया, अब चाइना मैंने जाना है वहाँ से वीज़ा मंगवाने के लिए इमिटेशन मंगवाया किसी कंपनी का स्पीकर के, उन्होंने इमिटेशन भेजा है तो वीज़ा देखो लगाते कि नहीं लगाते। चाइना भी वीज़ा नहीं लगा रहा पाकिस्तान, वो तो दोस्त है, उसे फ्री भेजना चाहिए, दोस्त है वाकई में चाइना, किताबों में तो है, किताबों में इंडिया दुश्मन और चाइना दोस्त है, दोस्त है। तो वाकई में इस तरह की चीज़ें हम पढ़ाएंगे, किसी को दुश्मन किसी को दोस्त डिक्लेयर करेंगे तो आने वाली नस्लें कैसी पैदा होगी? अब नस्लों को समझाने लोग चाहिए कि समझाएं, किताबों में सही पढ़ाया गया, किताबों में भी सही है गलत भी है, दोनों चीज़ें हैं किताबों में, जो लड़ाई होगी वो लिखी गई है, जो अच्छे काम है वो नहीं लिखे गए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे कि इंडिया हमसे पावर में ज्यादा? जी सर एग्जैक्टली। कौन सी पावर है आपके पास, वो पावर जरा शो करवाएं आज। भी पावर यही है हमारे पास, जज्बा है। कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। अच्छा जी, हमारी फौज जो है नंबर 1 है, और हम अगर चाहें तो हम अपना हक जिससे मर्जी छीन भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो हमारा मुल्क है ना, ये जो सिर्फ एक बिजली और एक मतलब कहने का पेट्रोल में सिर्फ इस चीज़ आपके पास इतना, अगर आपके पास इतना जज्बा है, आपके पास इतना जज्बा है तो 71 की जंग में पता क्या हुआ था? भाई इन्होंने अपना दिफा ही किया है, मुझे मालूम है 3 जंगें हुई हैं, इन्होंने अपना दिफा किया है, इन्होंने पहल कोई नहीं की। आप मुझे बताएं 71 में तारीख में कभी किसी फौज ने 93,000 फौजियों ने सिलेंडर नहीं किया? भाई इन्होंने सिलेंडर इसलिए किया है कि भी हमारा मुल्क अब सेफ हो गया है, इसलिए इन्होंने सिलेंडर भी किया है। मतलब कि हमने अपनी मर्जी से किया भाई, हम किसी से नहीं डरते इसलिए सिलेंडर किया। भी अपना बाकी की जो फौज थी और बाकी का जो हमारा मुल्क था उसको तो बचाना ही था ना। अच्छा इसलिए सिलेंडर किया। हाँ जी सही होगा। तो आपको लगता है कि फिर भी आप कहते हैं कि हम सबसे बहादुर सबसे अफजल है? भी दफा करने में और अपनी जान कुर्बान करने में हम तो इतने बहादुर, आपने कहा ना हम सबसे आगे हैं जज्बे में, तो नहीं करना चाहिए था ना, हम तो फिर बांग्लादेश हमसे अलग ही नहीं होना चाहिए था। भी है बांग्लादेश है और जो जम्मू कश्मीर है, जो ये सब अपनी वजह से मतलब अलग हो रहे हैं, अगर हम ये अगर हमारे से कोऑपरेट करें तो शायद हम इनको जिता भी सकते हैं और हमारा पाकिस्तान मुल्क। अब किस तरह से जिता सकते हैं कोई बताए ना, आवाम देख सुनना चाहती है, मैं इसलिए आया हूँ कि आपकी बात सुनूं। आप किस तरह से कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, जरा आज खुल के बात करें। कश्मीर ने तो खुद ही कहा है ना कि भी हम अपना मुल्क खुद ही बनाएंगे, ठीक है, वो इसलिए अब हमें खामोश होना पड़ गया। अच्छा, अब इंडिया ना अगर खामोश ना होते तो क्या करते? भी खामोश अगर वो इंडिया कश्मीर अगर हमें कहता कि भी पाकिस्तान जो है हम हमारे साथ मिल के ये इंडिया के साथ दिफा करे। अच्छा। तो शायद हम अपना इंडिया को फतह कर लें। अच्छा
अच्छा, इंडिया को भी फतह करेंगे आप? जी सर। किस तरह से फतह करेंगे वो जरा खुल के बताएं। डंडे मार मार के, गोलियां मार मार के, उनके पीछे पीछे गोलियां मारेंगे हम उनकी। क्या कह रहे हैं? हमारे इतने अखलाक मतलब के इंसान नहीं है इतने जितने इंडिया के हैं। उनकी आबादी पता कितनी है भी? उनकी आबादी जो है ना तकरीबन 30-35 करोड़ है उनकी आबादी। जी, उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़। तरक्की में वो ज्यादा है इसलिए कि उनसे उनके साथ ना जो तमाम जो मुल्क हैं ना सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसलिए कि वो जो है ना वो बिल्कुल मतलब अपनी तरफ अपने आप को ना अप्रिशिएट करता है सबको। ठीक है, सबको वो मतलब कहने का कि किसी को कुछ सप्लाई करता है, किसी को कुछ सप्लाई। पाकिस्तान के पास कौन सा ऐसा एटम बम है कि जो इंडिया को वो कंट्रोल कर सकते हैं? ये हाँ बताएं। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे, जो कि हमारे जो फौजी जो है ना हमारे हुकूमत की एक इशारे पे चल। अच्छा, आज जंग होती है तो आप सबसे आगे होंगे शायद? कैसे, आपके पास रोटी नहीं होगी जंग लड़ने लड़ सकते हो जाके? भाई रोटी नहीं होगी, कम से कम ये तो करेंगे ना फौजियों को असला तो भर भर के देंगे ना गोलियां बारूद। और हमारा दिमाग मेंटल लेवल हमारा चेक करें गाइस आप लोग, कि हम सिर्फ लड़ने मरने और धाड़ने पे ही लगे हुए हैं। हमने ये नहीं सोच रहे कि अगर इंडिया इकोनॉमिकल तौर पर आज ज्यादा हमसे स्ट्रॉन्ग है तो हम भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। लड़ाई झगड़े को क्यों नहीं भूल जाते भाई? हाँ, झगड़ा को चेंज करने का टाइम है। हमेशा इंडिया ने किया, हमने नहीं किया। अब मुझे एक भी कोई वाकया बता दें जो उसने किया। आपको गलत पढ़ाया गया भाई, जो मैं बता रहा हूँ। नहीं, शुरू की इंडिया ने शुरू किया, आप मालूमात कर लेना। ठीक है, चले हमने कही है तो जीता कौन? जीते कुछ भी जीते वो नहीं, जीते भी नहीं है हम, लेकिन बराबर जरूर किया है। चले जीते भी हम ही जीते, मैं मान लेता हूँ। जीते तो नहीं हम, मान लेते हैं। नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है आज? नुकसान यही है कि हमारा मुल्क आज थोड़ा जो गरीब आवाम जो है हमारी पीछे पड़ गई है। आज रोटी के लिए पाकिस्तान धड़ धड़ के ठोकरे खा रहा और कटोरा लेकर पूरी दुनिया नहीं छोड़ी हमने, सिर्फ यही जंगों की वजह से। अब आप भी अभी भी इसी वक्त भी कह रहे हैं कि जंगे लड़ेंगे, हमने एटम बम धागे हुए हैं। भाई जो हालात है ना, तो मेरे ख्याल से जंग अपनी हो जानी चाहिए ऐसी कि हमारा मुल्क पावरफुल होना चाहिए। मुसलमान हो के भी अब फलस्तीन में चले जाएं, आप कश्मीर में चले जाएं, हर तरफ मुसलमान। आप अपनी तो बात कर लो भाई, एक मिनट आगे आइएगा। आप आगे आइएगा, ये कह रहे हैं कि हर जगह पर जंगे लड़नी। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का खाना पूरा नहीं हो रहा तो जंगे कट्टा लड़नी। ये कह रहे हैं कि हम जंगे लड़ेंगे हर किसी से। इससे बड़ी कौन सी जंग है जो उनसे लड़ रहे हैं हम लोग? अब बताएं आप। सर गरीबी की तो जंग है ही, जब गरीबी की जंग इसी तरह ही खत्म होनी है जब हम दूसरे मुल्कों पे फतह करेंगे। सिकंदर जो बादशाह था ना, उसने जहाँ जहाँ गया है ना वो अपना मुल्क की फतह करता गया और आगे बढ़ता रहा है वो। आप ये बताइए, ऐसी मेंटेलिटी, ये मीडिया पूरी वर्ल्ड वाइड में वायरल होगी, पूरी दुनिया देखेगी, जब इस तरह की हमारी मेंटेलिटी है कि हम दुनिया को फतह करेंगे, जंग करेंगे, क्या दुनिया हमें हमारी मदद करेगी? कोई नहीं कर रहा मदद, किसी देखो भरा भरा आके मदद नहीं कर रहा, तो मैं कौन किसी की मदद करेंगे। हाँ जी बताएं आप सर, आप अपनी सोच क्यों नहीं बदल लेते? हम जंग लड़ने के बजाय पीस पे क्यों नहीं आ जाते, प्यार की बात क्यों नहीं कर लेते? सर वो तो ठीक है, लेकिन गरीबी से तो इंसान मर ही रहा है ना, क्या क्या गरीबी से मर रहे तो इसका हाल ना भाई, इसका हाल ये है कि आप अपने हालात ठीक करें। थोड़ी देर आ जाए उर्दू में। जंग के साथ गरीबी का मसला के क्या ताल्लुक आता है? भाई ताल्लुकात यही है कि हमें पेट्रोल जो हमारे से ईरान ने कब्जा किया है, कश्मीर ने कब्जा, अपना अमेरिका ने कब्जा किया है, हम चाहें तो हम उनसे अपना हक छीन सकते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी के बाप का नहीं है। कौन सा पेट्रोल आपका? ये जो अरब में जितना भी कब्जा हुआ है, अरब ममालिकों का पेट्रोल भी आपका? जाहिर सी बात है। क्या कह रहे हैं? पेट्रोल हमें इंडिया दे रहा है। सुन ले भाई को सही पता नहीं है, इंडिया से ही लिया आपने, जो आपने अभी रशिया से मुआहदा किया था वो इंडिया से साफ होके आपको मिल रहा, बताया नहीं जाता आपको। बस सर जी कुछ आप उनकी सुने जरा, पैसे ले रहे हैं सर वो। क्या कह रहे हैं? पेट्रोल के पैसे ले रहे हैं वो। अंकल आपकी एज क्या है? मेरी एज 52 है। 52 है। हाँ जी। आपने पाकिस्तान आजाद होते हुए देखा था? नहीं मैंने नहीं देखा। तो पाकिस्तान जब आपने टाइम देखा था, कभी पाकिस्तान का ग्राफ तरक्की की तरफ गए हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी तरक्की में है। आप भी तरक्की में? कौन कौन आदमी है जो तरक्की में नहीं है? सर ये कह रहे मैं तरक्की में नहीं हूँ, ये कह रहे मैं तरक्की में नहीं हूँ, वो कह रहे मैं तरक्की में। एक घर में 5-5 बच्चे पल रहे हैं वो तरक्की नहीं है? सर भूखे भूखे एक टाइम की पकती, दूसरे टाइम की पकती नहीं है। तलीम और तरबियत जो लोग दे रहे हैं वो तरक्की नहीं है। ये तरक्की है 100 रुपए का आटा लेके घर में जा रहे हैं, ये कौन सी तरक्की है? ये बात ये नहीं है मेरा भाई, हर आदमी को अल्लाह ताला ने शर्फ हासिल किया हुआ है, हाथ पांव जमीन हर शह अल्लाह ताला की
जात ने इंसान को नेमत दी हुई है, इससे बड़ी कौन सी नेमत लेनी है आप? अल्लाह ताला ने तो हमें सब नेमत दी है, लेकिन जो हमारे ये है भाई किसी से, ये हमारे जो हुक्मरान है ये हमारा कुछ सोचेगा तो हमें वो उसका मिलेगा ना। अल्लाह की जात बहुत बड़ी बड़ी है, वसी है। अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई हरकत करो। अल्लाह ताला ने कहा कि दुनिया में जिस तरह रहकर चाहे तुम मुसलमान हो, अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला को इससे ये फर्क पड़ता है कि तुम कितने अच्छे रास्ते पे हो, तुम दुनिया में रहकर किस चीज़ की मेहनत करते हो। आज हिंदुस्तान के फॉरेन रिजर्व, उनके पास पैसे पता कितने हैं? हमें उनके पास पैसे, और मैं बात बता रहा हूँ सुन लो भाई मेरे, अगर 8 घंटे ड्यूटी करते हो आप, अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करते हो उसकी शरह कौन लेता है? मैं लेता हूँ या आप लेते हो? कौन लेता, कौन लेता आप जाए कौन लेते है? मेरा सवाल है, क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, उसकी शरह कौन लेता है? मैं लेता हूँ। आप कैसे लेते हैं? गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट तो बिलों के जरिए लेती है ना जी, वो आधे से ज्यादा जो पैसे देखो जो मुल्क में पैदा हुआ है, जो मुल्क में जो अपने मुल्क में पैदा हुआ है उसके लवाजमात भी जो है ना। अंकल आप मुझे एक बात बताएं, मेरा सवाल ये है, आप मेरे सवाल को सुने। आज अमेरिका के अंदर जो हिंदुओं का दिन होता है एक राखी बंधन, न्यूयॉर्क ने डिक्लेयर कर दिया कि आज के दिन पूरे न्यूयॉर्क की छुट्टी होगी, स्कूलों को छुट्टी होगी, और आज के दिन में वो मनाएंगे अपना बड़ा दिन। आप मुझे बताएं कि कभी अमेरिका ने ये ऐलान किया होगा मुसलमानों का दिन है ईद, तो आज पूरे पूरा जो अमेरिका वो ईद मनाएगा, या दुनिया के किसी भी नॉन मुस्लिम ने कहा, कोई नॉन मुस्लिम कंट्री ने कहा कि आज के ईद का दिन है ईद मनाएंगे, हिंदुस्तान को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है? भाई मेरे बात ये है, कुरान पाक की एक हदीस है, इसमें है इन्नमल इमाल बिन्नियात, हाँ जी, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। हाँ जी, हमारी नियत अच्छी है, हमारी नियतें ठीक होनी चाहिए, बाकी प्रोग्राम जो अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी बची जात है, बेशक उसकी जात तो बहुत बड़ी है सर, हम उसकी जात के लिए क्या काम कर रहे हैं, हम अपने लिए क्या काम हमें जो चाहिए हम करना हम कर रहे हैं। क्या आपको इनकी बात समझ आ रही है कुछ? हम तो अपने लिए कर रहे हैं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं, जो उनकी जात के लिए ना करे ना, हमें मसल जो परेशानी है मुश्किलें है ना ये हमें देख लेना पड़े। सर आपको क्या लगता है, एक मिनट आपको क्या लगता है कि इस टाइम हमारे ये जो हालात पैदा हुए हैं, किसी जगह पे नहीं है, किसी जगह पे तनकीद है, इसको बुरा कहना, इसको बुरा कहना, उसको अच्छा कहना, उसको बुरा कहना, इसको अच्छा कहना, कहाँ है लिखा कहीं? तो सर जब आप जब तक आप बात नहीं करेंगे, उसको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो महंगाई कैसे खत्म करेंगे भाई? मेरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे 4 बोरियां आटे की लेके दे दो, करोगे मनी खर्च? मैं करूंगा आपके लिए खर्च, मैं अभी करूंगा, कोई नहीं करेगा, अभी करता हूँ आपके लिए, कोई नहीं करेगा, हुक्म करें नहीं, आपको चाहिए ये बात, मैं अभी करता हूँ आपके लिए भाई, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये बात देखो, मेरी बात सुनो जी, असल मसले पर आप आउट ऑफ डेट हो रहे हैं। आप बताएं मसला क्या असल? मैंने आपसे पहले बात ये की है कि जो आदमी मजदूरी करता है वो अल्लाह की ज़ात का मोहताज, अल्लाह ताला की ज़ात उसे मोहताज नहीं करती किसी का, हम किसी के मोहताज नहीं हैं सवाए अल्लाह।